मनुष्य नाना प्यारे की जय। श्री आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रवेश प्राप्तम प्रियताय नाथम परेश पूर्णम सततम नमामि ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्व पाता भव सिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म दाता दीने के बंध शरणम पिपद्वे दीने के बंध शरणम पिपद्वे श्रीवंद सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम अशुभ करण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम श्री तारनाथ निज मूल पति श्री मेराज सुनाम तेजी कुमारी श्याम रात्रि के 3 बजे से और प्रातः 6 बजे तक का
ये आठवां आठवां पहर है। और आठवां पहर क्या है? छठवां पहर तो हो गया छठवां सागर, यानी कि इलम का सागर। सातवां पहर रस सागर, रस ओढ़े रहते हैं हमारे धनी, जिसको निस्वर्ग का सागर भी कहते हैं, संबंध का सागर, जिसको अपने संबंध की पहचान है कि हम कौन है, हमारा धनी से क्या संबंध है। हम सब लोग मंत्र तो ले लेते हैं लेकिन अपना संबंध स्थापित नहीं करते। कहो मंत्र तक पूरा याद ना हो, संबंध हमें अपने धनी से स्थापित करना है। जिस तरह संसार में हमारा संबंध बनता है, किसी से विवाह होता है, मंगनी या पक्यात होती है, तो हमारा संबंध बन जाता है उससे। अब जब हम मंत्र लेते हैं तो हम उनकी अंगना है और वो हमारे धनी है। ऐसा संबंध हमारा स्थापित हमें स्वयं करना चाहिए कि वो हमारे धनी है तो उनसे हमारा अटूट रिश्ता रहे, जिससे हम बराबर उनको याद करें, यही संबंध की पहचान है। तो ये हमें करना है। अब आत्मा सागर है सर्वरस सागर। सर्वरस सागर यानी मेहर का सागर, कृपा का सागर, धनी की कृपा का सागर। तो ये आत्मा सागर आज चलने वाला है, इसको बड़े ध्यान से आप लोग श्रवण कीजिए। जिस तरह लालदास स्वामी जी कहते हैं, अपने दोनों कानों से, अपने हृदय के कानों से सुनना है इसको, तो आप लोग श्रवण करेंगे। अब कहो पहर आठवां, अब कहो पहर आठवां। अब स्वामी लालदास जी बखान कर रहे हैं कि अब आठवां पहर के बारे में आप श्रवण करें। श्री राज पौड़े पलंग पर, श्री राज पौड़े पलंग। 11 वर्ष आपने देखा और जागनी यात्रा में देखा, जब कोई कहता है कि आप विश्राम कर लो तो वो क्या कहते हैं कि हम पौड़ने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ विश्राम करने के लिए नहीं आए हैं, हम जगाने के लिए आए हैं सुंदर साल को। यहाँ भी पूरी रात्रि बीत रही है, रात्रि के 3 बज गए हैं, अभी भी वो पौड़े हुए हैं, आंखें नहीं उनकी बंद हुई है कि ना आंखें मिची है ना उनको झपकी आई है, वो बराबर वाणी चर्चा सुन रहे हैं। जो सुंदर सार वहाँ चर्चा की अर्चा कर रहे हैं तो उनको सुन रहे हैं। अब वाणी धाम धनी की, वाणी धाम धनी की, जो वहाँ गूंजती है, जो वहाँ चल रही है चर्चा की अर्चा, वो सुन रहे हैं। गर्जत सब ऊपर, गर्जत सब ऊपर, उसकी गर्जना, उसकी लय, जो बारी वाले आते हैं वो भी वाणी गायन करते हैं। बारी वाले गावत, अपने अपने टर्न, अपने अपने नंबर पर जो गाने आते हैं, टोलियां आती हैं, किसी टोली में 7 लोग हैं, किसी में 8 लोग हैं, और कई कई सब बारी में अपना हिस्सा देते हैं कि हमें सब में आनंद आता है, तो ऐसे बारी बारी गाते हैं अपनी वाणी। कीर्ति चौकी पर अपने नंबर पर अपने मंडली के साथ आते हैं। जिनकी आए सो गावे ही, और जिनका नंबर आता है वो गाने के लिए आ जाता है बंगला जी में। रसना मीठी कर मधुर आवाज में, मधुर बोल से वाणी को गाते हैं। वाणी धाम धनी की, ये वाणी यहाँ की नहीं है, द्वैत वाणी नहीं है, ये धाम धनी की वाणी है, ये अखंड वाणी है, जो परम धाम से आई है, ब्रह्म वाणी है। इस वाणी में इतनी शक्ति है कि 14 लोगों को अखंड करेगी, ये वाणी ऐसी वाणी है। पहचान भाई ना काहू को, लेकिन जो साधारण जीव है इन्हें इसका मर्म, इसका रहस्य नहीं जान पाए, नहीं की पहचान हो पाई। रूह पिए ही आती हो जात, और जो ब्रह्मात्मा है, जिनको मोमिन कहा गया है कुरान की भाषा में, वो ये रस पी रही हैं और अखंड फल प्राप्त कर रही हैं। आज लो इंद में, आज तक इस ब्रह्मांड में, कबू काहू सुनी ना कान, कबू काहू ना सुनी कान, किसी ने भी ये ब्रह्म वाणी नहीं सुनी थी। अब आप रोज गाते हैं मंगला चरण में, एक दिन त्रिलोक में, बुद्धि बुद्ध सुपन्न, सुबुद्धि बुद्ध जागृत, प्रति पूरी नौता, अब सो साहेब आई या सब सृष्टि करी निर्मल, मोह अहंकार राय के सुते सो सब देसी सुचमन। तो ये जो आया है इसमें कि आज तक किसी ने ये ब्रह्मवाणी अपने कानों से नहीं सुनी थी, ना कोई लेके आया था। कई हुए इंद कई हो वही,
किसी को इसकी पहचान नहीं हुई, क्योंकि जब आई नहीं थी वारी और अब आई है तो जिसका उनसे संबंध है वही उसको आनंद ले रहे हैं। ये सुनने की ताकत, ये सुनने की सामर्थ्य ताकत सबके अंदर नहीं है। जिस तरह केसरी दूध ना रवि रथ मात्र, केसरी दूध यानी सिंघनी का दूध दूसरे बर्तनों में नहीं ठहरता, वो स्वर्ण के बर्तन में ही ठहरता है। तो इसी तरह ये ब्रह्मवाणी की सुनने की सामर्थ्य ताकत शक्ति राखी जिसको देते हैं वही उसको सुनकर ग्रहण कर सकता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं उसकी सुनने की ताकत, ऐसी ये ब्रह्मवाणी है। और नाम आप स्वामी जी यहाँ कहते हैं कि और नाम गिनकर गिना है, जो ब्रह्मांड के अधिपति हैं 14 लोगों की कहा जाता है, जब उन्हें सुनने की ताकत नहीं है तो साधारण जीवों की हम क्या बात करें। इनके बाद में हम इसके पश्चात किसका नाम ले रहे हैं, सो रस सागर लीलत, सो हमारे धाम मणि स्वरूप सिद्धि साहब बंगला दरबार में रस जो परम धाम का आनंद है, रस माने आनंद, वो उड़ेल रहे हैं, सबको भर भर के पिला रहे हैं, सबको बार बार उसको याद दिला रहे हैं और सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। कोई ना धरत कान, जो साधारण आम लोग हैं वो इस पर ध्यान नहीं देते, उनकी ये समझ से परे है। एक संयोग की रूह पीवत, एक जो परमात्मा है जिनकी सुनताएं ये खेल देखने आई है उन्हीं की आत्मा ये रस का आस्वादन ले रही है। और ना पहचान, और किसी को भी पहचान नहीं है, वाणी का मर्म कोई नहीं जान पाता। कैसी जिक्र होते हैं, ये प्रश्न है कैसी जिक्र होते हैं, इस बंगले दरबार में कैसी वार्ता होती है, और ये जो वाणी की चर्चा होती है ये कौन से ठौर कौन से ठिकाने हमें पहुँचाने वाली है, लाभ होगा हमें इसको सुनने से, ये कहाँ पहुँचाने वाली है वाणी हमें, ये महर ये कृपा किसने की है हमारे ऊपर, किसकी किसके ऊपर ये कृपा दृष्टि हुई है, और किसकी बरकत से ये आई है, किसकी बढ़ोतरी किसके सौभाग्य से सबको ये आनंद प्राप्त हो रहा है। इसका भेद इसका रहस्य कोई नहीं जान सका, और जो इस रहस्य को जान जाता है, जो इस भेद को जान जाता है वो इसका मर्म समझ लेता है तो उसको आनंद आता है। पलक ना बिठा जाए, जो इस रहस्य को समझ जाता है उसका पलक बिठा ना जाए, एक पल भी बिठा बेकार नहीं जाता, वो धाम धनी की चर्चा में उनके चितवन में गर्व रहता है। सो इन रस में झीलत है, सो ऐसे सिद्धि साहब ये रस में झीलना करते रहते हैं, सबको उसी में डुबोते रहते हैं। और जिसको ये ज्ञान लग गया, जिसका स्वाद आ गया, उसको दूसरे स्वाद नहीं अच्छे लगते, और यही परमात्मा पास में आकर के बैठती है इस चर्चा का स्वाद लेने के लिए। हरे सुनने को कान, और बड़े ध्यान से सुनती है ये चर्चा, बहुत पहचान रूह की, और सब जो वास्तव में सुनती है उसकी पहचान हो जाती है कि यही परमात्मा है जो निरंतर बड़े ध्यान से सुन रही है। और उनका विश्वास और दृढ़ होता जाता है। ये वाणी आप जो प्रश्नों पर कहे गए थे उनका उत्तर आ रहा है, ये वाणी इन धाम, ये जो ब्रह्मवाणी आई है जो बेस्की इलम आया है ये परम धाम की वाणी है, ये हमें निज धाम तक पहुंचाती है। जब उसके शब्द सुनते हैं हम वाणी के तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम जैसे वही घूम रहे हो, वही हम देख रहे हो, और सुनने से भी सुखानुभूति होती है, पूरी मनोरथ काम, और सबके मनोरथ होते हैं इन वाणी से होते हैं, इस वाणी से होता है, तो ये ब्रह्म वाणी है इससे होता है। नजर पड़ी बीच बका,
के कार्य सिद्ध होते हैं और नजर हमारी अखंड अद्वैत भूमिका में पहुँचती है। ये रसना श्यामा जी की सदगुरु स्वरूप रूह अल्लाह श्री श्यामा जी और कार्गो जाने पहसी उनकी शक्ति महामती श्री प्राणनाथ जी में आ गई और जो वाणी अवतरित हो रही है तो ये रसना श्यामा जी की मिलावट रस रंग का श्यामा जी की रचना से जो मधुर वाणी निकल रही है ये रव्य यानी परमात्मा का रस आनंद हमें पिला रहे हैं। पिलावत रस रब का, रस रब का यानी परमात्मा का जो रस आनंद है वो हमें उड़ेल रहे हैं। जो धाम अंदर की किसी को भी जानकारी नहीं थी कि रंग महल कैसा है, परम नाम कैसा है, 25 पक्ष कैसे हैं, कौन सी दिशा में क्या है, यहाँ कौन सी लीला होती है, किसी को मालूम नहीं था। बिहार का मजबूर कैसी आनंद की लीला होती है ये किसी को ज्ञात नहीं था। अक्षर ब्रह्म को भी जो राजी महाराज के सतंग है स्वरूप एक लीला हुए तो ये स्वामन के अंग है उन्हें भी ज्ञान नहीं है कि रंग महल में कौन सी अंतरंग लीला होती है। जो अंदर का जहूर, अंदर का जहूर प्रकाश उन्हें मालूम नहीं था। जो अक्षर को शुद्ध नहीं, जब अक्षर ब्रह्म को वहाँ की जानकारी नहीं है, जो सोम खंड में रहने वाले हैं उनको भी रंग महल की जानकारी नहीं है तो साधारण जीवों को कैसे पता चलती। सूत्र गुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के पास कैसे होगी, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं अक्षर के द्वारा तो उन्हें कैसे जानकारी होगी। सो इन वाणी के माध्यम से ये ब्रह्मवाणी के माध्यम से संसार के समस्त जीवों को वो आनंद प्राप्त हो रहा है, वो जानकारी प्राप्त हो रही है, वो ज्ञान हो रहा है कि रंग महल कहाँ है, कैसा है, उसकी 10 भाव कैसी है, ये सब जानकारी वाणी के माध्यम से हो रहा है। स्वप्न के जीवों की भी नजर वहाँ पहुँचती है। नाबूद यानी नश्वर संसार के जीवों की नजर भी वहाँ पहुँचती है जो बड़े प्रेम भाव से भक्ति भाव से जो निरंतर सुन रहे हैं। सो सपने में रल जाए और जो मायावी जीव है जो जहाँ की उनकी उत्पत्ति है उसी में मिल जाते हैं। नींद उड़ते हैं और अक्षय ब्रह्म जो अभी स्वप्न देख रहे हैं जब इनकी नींद उड़ जाएगी या स्वप्न भंग हो जाएगा तब तो इन जीवों को तो सुध नहीं रहेगी लेकिन अक्षर ब्रह्म को अखंड याद हो जाएगा। नाबूद ऐसे मायावी जीवों की नजर बीच अखंड पहुँचे अखंड में पहुँच जाएगी ये वाणी सुनते अक्षर ठौर स्वरूप की और अक्षर धाम में अक्षर ब्रह्म के स्वरूप की ठौर उनका ठिकाना वो भी उन्हें पता लगेगा। इन वाणी की बदौलत वो देखेंगे जहाँ जबराइल रहा अक्षर धाम वरिष्ठों का स्थान है यानी ईश्वरी सृष्टि का स्थान है वो जबराइल जोश का वरिष्ठा है वो अक्षर धाम तक ही रहता है परम धाम नहीं पहुँच सका चल सकिया ना आगे नहीं बढ़ सका वो इन वाणी की बरकत इस वाणी के प्रताप से जमुना सात घाट पहुँचे जमुना नदी के पास ही जमुना जी का परम धाम में उसके सात घाट तक वो पहुंच गया था वाणी के प्रताप से रसूल पर मोहम्मद साहब जब ध्यान अवस्था में गए थे तो जबराइल साथ में था उनकी जोश वो तो आगे नहीं जा सका जमुना किनारे ही रह गया और ये रफ के तखत पर यानी कि वहाँ से प्रेम उत्पन्न होगा उनके अंदर प्रेम और ईमान दोनों पर तखत पर प्राजमान हो करके आगे गए नवस्था में जो थे रफ का कहा गया है पुराण में उसको आगे चले और जो यानी यमुना जी को उलंघ कर आगे चले वो देखा धाम और जेठी जेठी यानी परम धाम के दर्शन किए उन्होंने इन जुबा के स्वर सुनते और इस जुबा के स्वर
का गायन हो रहा है। इस जुबान की जो स्वर निकलते हैं इसको सुनने से सब ठौर आवे नजर, जितने भी स्थान है वहाँ 25 पक्ष वो सब नजर में आते हैं। रूह आत्म पहुँचत, जो आत्मा है वो परात्म तक पहुँचती है, ऐसी इसकी बरकत है, सब प्रताप है इसका वाणी का। जागृति हो जाती है तो आत्मा और परात्मा मिलने में देर नहीं लगती। इन वाणी के सुनते, इस वाणी के श्रवण करने से आप होते हैं आत्म, आप होत अय्यार, यानी अखंड बल प्राप्त होता है, मुक्ति बल प्राप्त होता है। देखे बैठी माया मिले, और माया में बैठे बैठे हम देख रहे हैं ये जो खेल, और हम जब वाणी सुनते हैं तो हमें ज्ञान की सुन नहीं रहती, हम अखंड धाम की सैर करने लगते हैं। इन वाणी के सुनते, इस वाणी के श्रवण करके ही खुलत विस्त के द्वार, अखंड मुक्ति स्थल के दरवाजे खुल जाते हैं, सब जीवों को आज मुक्ति स्थल तैयार होते हैं इनके लिए। आप देखे और दिखावे, और यहाँ जितने भी सुंदर साथ बैठे हैं बंगला दरबार में, स्वामी अध्ययन मत स्वामी को आनंद लेते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। पहुँची नूर द्वार पार, पहुँची नूर द्वार पार, नूर यानी अक्षर धाम तक पहुँच करके उसके भी पार परम धाम पहुँचती है। इन वाणी की बरकत, इस वाणी के प्रताप से, इस वाणी की महिमा से कुछ शक संदेह नहीं रहता हमारे अंदर, क्योंकि ये बेशकी इलम है। वाणी को आप पढ़िए तो आपको लगेगा कहीं शंका होगी तो 3-4 चौपाई के बाद उसका उत्तर मिल जाएगा आपको। ऐसी ब्रह्मवाणी है, ऐसी बेस की इलम है। खिलवत वाणी में एक प्रकरण बेस की इलम का ही है, उसको पढ़िए आपको पता लगेगा। कोई भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में उठता है 2-4 चौपाई के बाद उसका समाधान भी मिल जाता है। और ब्रह्मात्मा इसको सुनते ही हमेशा प्रसन्न रहती है। जाए बैठे कदमों हक, वो धनिक के पास में यहाँ बंगला दरबार में सबके बैठती है हमेशा, कि जिससे ये आनंद हमें प्राप्त होता रहे। इन वाणी की बरकत, इस वाणी के प्रताप से भया जागृत सुपन, जो स्वप्न हम देख रहे हैं ये हमारी जागृति समूह जागृति होगी। पहचान का हो ना हुई, अभी तक किसी को पहचान नहीं हुई थी। पहले पास आई सैयद, पहले ब्रह्मात्मा को ही आएगा, उनको ये अवसर प्राप्त होगा आत्म जागृति का। कहाँ से ये संसार में, फिर ये संसार में ब्रह्मात्मा की बरकत से संसार वालों को भी मुक्ति स्थल प्राप्त होंगे। ब्रह्मांड में वाणी फैल जाएगी, बढ़ती बढ़ती बढ़ चली, और इसका प्रचार प्रसार इतना होगा, इसका प्रताप इसकी महिमा इतनी बढ़ेगी। जाए त्रिगुण पहुँची हक, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास ये ज्ञान पहुँचेगा। इन वाणी की बरकत, इस वाणी के प्रताप से नींद उड़ी नूर जला, नूर जला जो अक्षर ब्रह्म कहलाते हैं, जो भी स्वप्न देख रहे हैं स्वप्न में ही देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें रंगमहल की लीला देखनी थी, वो न देखी रास में, लेकिन फिर भी अभी जो उनको आदेश दिया गया, जो हुक्म काम कर रहा है उनके ऊपर राज्य महाराज का, तो जब उनकी नींद उड़ेगी तो ये ब्रह्मांड भी अकट हो जाएगा। याद करे सुपन को, जब ये स्वप्न को याद करेंगे अक्षर ब्रह्म, जब नींद खुलेगी उनकी और स्वप्न को याद करेंगे कि कौन सा स्वप्न हम देख रहे थे, तो वो अखंड हो जाएगा प्रमाण। कोई के दिल खुशहाल, दिल खुशहाल प्रसन्न होकर के याद करेंगे, याद करे वाणी को, और जब वाणी को याद करेंगे तब उठे आठों भिस्तर, तब उनके अंतःकरण में आठों भविष्य कायम हो जाएंगी। वाणी की बरकत, इस वाणी के प्रताप से धामे अंदर पाई किस्त, धाम अंदर पाई किस्त, और धाम अंदर भी प्रवेश हम कर सकते हैं, इस वाणी का इतना प्रताप है। इन वाणी की रोशनी, इस वाणी का जो प्रकाश है नूर है इसका, मावे न जिमी आसमान, इसमें इतना प्रताप है कि जमीन से आसमान तक उसका प्रकाश समाहित नहीं हो।
बका सुन छोड़ बका पहुँचे और सुन छोड़ बका पहुँचे। सुन निराकार को छोड़ करके बेहद को छोड़ करके अखंड में आप पहुँचेंगे। सो उस ब्रह्मवाणी को परमात्मा बड़े ध्यान से अपने कानों से सुनती हैं। श्री धाम नव भौम है। अब परम धाम कैसा है? नौ नौ भौम दसवीं आकाशी है। रंग महल जो 50 करोड़ योजन में हमारा परम धाम है। सर सेंटर में मध्य में रंग महल है जो 201 हाथ का है। 201 पहल उसी को हाथ कहते हैं, उसी को पहल कहते हैं। तो वैसे तो 200 हाथ का है लेकिन एक पहल अतिरिक्त बना है उसी में से। तो इस तरह से 201 पहल है और ये नौ भौम दसवीं आकाशी है। एक भौम की प्रंथ है, उसकी कुर्सी है, उसके ऊपर नौ भौम खड़ी हुई है और दसवीं आकाशी है। पहली भौम में क्या है? पहली भौम में सबसे पहले हम जब अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें आजू बाजू देखते हैं तो 6000 मंदिरों की एक लाइन है। फिर देखते हैं कि 6000 खम्भों की दो पंक्तियां हैं। फिर हम देखते हैं कि 6000 मंदिर की दूसरी लाइन है। फिर 6000 खम्भों की दो लाइनें हैं और सामने देखते हैं दरवाजे की यहाँ तो 48 खम्भ का चौक है जिसमें क्या होता है कि छठी भौम में तख्तरवा रखा रहता है और पहली भौम में खूब सुंदर गुलम बिछी हुई है, सिंहासन कुर्सियां रखी हुई है, सोफा सेट रखे हुए हैं। जब वनों से आते हैं तो यहाँ थोड़ी देर राति श्यामा जी संख्या बढ़ती है। फिर आगे देखते हैं कि सामने चार चौरस चार चौकोर इस तरह से 8 बिरावे हैं और 9वां बिरावा है पंचमहल का। इस तरह ये पूरे खेल के गुलाई में बिरावे हैं। पहली जो चौरस हवेली है उसमें रसोई की हवेली है और यही सीढ़ियां हैं। श्याम श्वेत के बीच में सीढ़ियां चढ़त उतर यानी श्याम रंग का मंदिर और श्वेत रंग का मंदिर है उसके मध्य में सीढ़ियां हैं जो चढ़त दादरी भौम दूसरी तीसरी चौथी ऐसे दादरी यानी सीढ़ियां चढ़ते जाती हैं। यहाँ सब सखियां दोपहर की भोजन लीला करती है, यही बनता है भोजन, यही से भोजन सामग्री तीसरी भौम में ले जाती है और 15 दिन रात को भी यहाँ भोजन होता है और 15 दिन वनों में विहार होता है। ऐसी ये भोजन लीला यहाँ होती है पहली चौरस हवेली में। और चौथी चौरस हवेली में क्या है? चार चौरस हवेली को पार किया तो सबसे पहले जो गोल हवेली है वो क्या है? खिलवत खाना मूल मिलावा है। तो ये पहली भौम की विशेषता है। दूसरी भौम की विशेषता है जो उत्तर दिशा की तरफ चार चौरस हवेलियां हैं यानी कि 16 चौरस हवेली चार चार की चार लाइन है। तो 16 चौरस हवेलियों की जगह क्या बने हैं? भूलवनी के मंदिर बने हैं और एकदम दर्पण के हम दर्पण के ही मंदिर हैं। तो वहाँ छुआ छुए खेल होता है और सब दीवार से टकराती है तो हंसी का खेल होता है। वहाँ मध्य में एक चबूतरा है, उस पर सिंहासन है, उस पर राजश्यामा जी विराजमान रहते हैं और वहीं से फिर आगे जब ये भूलवनी के मंदिर है उसके आगे ही सामने तारवन के बीच में एक बगीचे में 35 मंदिर की जगह में भूलवनी का वो चहवच्चा है, चहवच्चा है खड़पली का चहवच्चा। भूलवनी के मंदिरों से हम चहवच्चा में स्नान करते हैं, कभी पहले स्नान करते हैं और कभी खेलने के बाद स्नान होता है। ये दूसरी भौम की विशेषता है। तीसरी भौम की विशेषता जो सामने दरवाजे हैं, जो चार चार मंदिर के लंबे और दो दो मंदिर के चौड़े और दो मंदिर बीच का मध्य का चौक, इस तरह से 10 मंदिर लंबा और 2 मंदिर चौड़ा है चबूतरा बाहर, उसके ऊपर ठीक ऊपर उसके तीसरी भौम में क्या बना है? झरोखा बना है, प्रसाद भी उसको कहते हैं, झरोखा भी कहते हैं। उसमें भी वैसे ही थम्ब है, हीरा माणिक पान राज नीली ऐसे थम्ब उसमें भी लगे हुए हैं ऊपर चबूतरे पर। तो वहां सिंहासन रखा रहता है, दक्षिण की तरफ पीठ है, उत्तर की तरफ मुख है सिंहासन का। ऐसे राष्ट्रमान जी वहां विराजमान होते हैं। वहां 3 पहर की लीला होती है तीसरी भौम में।
प्रातः काल 6 बजे से और दिन में 3 बजे तक की लतीस की भावना होगी। अब चौथी भाव को देखें, चौथी भाव में हम जाते हैं, जब चढ़ते हैं सीढ़ियों से तो चौथी भाव में जो चौथी चौरस हवेली है वो नृत्यशाला है। नवरंग बाई की जुथ की सखियां नृत्य करती हैं। एक जुथ में 300 सखियां हैं, उनके सब साज पास सब सामग्री सब है और वहाँ ऐसी लीला होती है कि पूरे परम धाम में नृत्य दिखाई देता है। इस तरह की लीला है जो दीवारों में बनी है, चित्रकारी वो सौम्य चित्र करती है, ऐसे वहाँ की अनुपम लीला है। तो ये नृत्य की लीला ये चौथी भाव में होती है। पांचवी भाव क्या है, जो ये 9 फिरावे हैं हवेलियों के, बीच में 9 चौपाये हैं। पहले फूल फुलवारी है, फिर 4 पानी के स्पून है 4 कोनों में और मध्य में 9 चौपाये हैं। तो जो मध्य का चौक है उसमें रंग परवारी मंदिर है, हमारे धनी जी का परवारी रंग का प्रवार रंग।